दोस्तों आजकल एयर ड्रॉप की इतनी सारी भड़माड़ लगी पड़ी है कि लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो गए उनको समझ नहीं आ रहा कि इतने सारे टेस्ट नेट के एयर ड्रॉप हैं इतने सारे मेन नेट के एयर ड्रॉप हैं तो ये इतने सारे प्लेटफॉर्म को हम कैसे यूज करें कैसे इनको मैनेज करें क्योंकि बात सिर्फ और सिर्फ एयर ड्रॉप लेने की नहीं है बल्कि हमें तो बड़े अमाउंट के टोकेंस चाहिए हमें तो बड़ा एयर ड्रॉप चाहिए तो मैं चीजों को यहाँ पर बिल्कुल सिंपल करके आपके सामने रखना चाहता हूं ये जो है एक प्लेटफॉर्म है यहाँ पर आके आप अपने वॉलेट को ट्रैक कर सकते हैं तो अगर हम बात करें लेयर जीरो की तो यहाँ पर मेरा जो वॉलेट एड्रेस है उसको मैं पुट कर देता हूँ कैट डेटा के ऊपर क्लिक कर देता हूँ ये जो है मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि आपको यहाँ पर कैसे प्ले करना है कौन सी स्ट्रेटेजी आपको यहाँ पर अप्लाई करनी है मेरे वॉलेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लेयर जीरो के ऊपर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वॉलेट्स हैं जो कि एक्टिव हैं लेकिन आप मेरे वॉलेट की रैंकिंग देखें 3113 मतलब कि जो टॉप के 5000 थाउजेंड वॉलेट्स है उनमें मेरा वॉलेट भी है अब मैंने यहाँ पर ऐसा किया क्या है तो वो भी आप देख लें सिर्फ और सिर्फ 113 सौ तेरह ट्रांजेक्शन यहाँ पर मैंने की है जो वॉल्यूम जनरेट की है तकरीबन बारह हजार डॉलर की वॉल्यूम जनरेट कर चुका हूँ सात डिफरेंट चेन है जो कि मैंने यूज किए हैं ब्रिजिंग के लिए 12 डेस्टिनेशन चेन है मतलब कि अपने फंड्स को जिन नेटवर्क्स के ऊपर मैंने भेजा है तो 12 ऐसे नेटवर्क्स हैं जिनके ऊपर मैंने अपने फंड्स को भेजा है 21 डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनको मैंने यूज किया है जब आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं जब आप कोई प्लेटफॉर्म यूज करते हैं तो बेसिकली हर ट्रांजेक्शन के ऊपर आप जो है किसी न किसी कॉन्ट्रैक्ट को यूज कर रहे होते हैं एक एग्जाम्पल देता हूं अगर आप बाइनेंस स्मार्ट चैन से पॉलीगोन के ऊपर फंड को बेचते हैं तो ये किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ये ट्रांजेक्शन होगी लेकिन अगर आप पॉलिगोन से आर्बिट्रम के ऊपर फंड को भेजेंगे तो ये दूसरा कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा जो कि आप यूज करेंगे ये सारी चीजें तो अपनी जगह है लेकिन काम की चीज आपको यहाँ पर देखनी है कि सिर्फ और सिर्फ 24 एक्टिव डेज हैं। मतलब कि मैंने सिर्फ और सिर्फ 24 दिन यहाँ पर काम किया है 18 हफ्ते मैंने यहाँ पर काम किया है और 10 डिफरेंट महीनों में मैंने यहाँ पर ट्रांजेक्शन की है वॉलेट की जो एज है मतलब कि लेयर जीरो के ऊपर ये कब एक्टिवेट हुआ है, तो इसको तकरीबन 412 दिन हो चुके हैं तो ये सारी डेटा आपके साथ शेयर करने का मकसद ये था कि आप चीजों को सिंपल करें हफ्ते में दो हफ्ते में एक बार यहाँ पर बैठें, पांच से दस मिनट दें किसी भी प्लेटफॉर्म को वहां पर मल्टीपल ट्रांजेक्शन करें वॉल्यूम जनरेट करें डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट को यूज करें इससे होगा क्या कि आपके अलग अलग वीक्स में यहाँ पर ट्रांजेक्शन होंगी अलग अलग महीनों में यहाँ पर ट्रांजेक्शन होंगी डिफरेंट डेज में आपकी यहाँ पर ट्रांजेक्शन होंगी वॉल्यूम भी होगी ट्रांजेक्शन भी बढ़ती चली जाएंगी तो ये सिंपल तरीका है सिंपल स्ट्रेटजी है जिसको यूज करके आप मल्टीपल एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हो सकते हैं और आपके लिए एयर ड्रॉप को मैनेज करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा जब आप नए एयर ड्रॉप को ज्वाइन करते हैं तो आर्बिट्रम का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसको अपने सामने रखें क्योंकि आने वाले टाइम में जो एयर ड्रॉप होंगे काफी सारे ऐसे प्रोजेक्ट होंगे जो कि इसमें से काफी सारे पॉइंट्स उठाएंगे क्योंकि इसमें वो वो पॉइंट्स हैं जो कि साइबर अटैकर्स को इजीली रिमूव कर लेते हैं यहां पर जो रियल यूजर होता है जो यहां पर एक्टिव होता है ये क्राइटेरिया बनाई इस तरीके से गई है कि जो रियल यूजर है जो एक्टिव है उसी को रिवॉर्ड किया जाएगा ठीक है दोस्तों तो ये सारी चीजें तो अपनी जगह पर है आज जो चीजें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं तो पांच डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं उनके छोटे मोटे टास्क हैं जो कि आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है जो एयर ड्रॉप हमने ज्वाइन करके रखे हैं आगे चल के उनकी जो जो अपडेट्स आती चली जाएंगी मैं आपके साथ शेयर करता चला जाऊंगा आपको वो टास्क कंप्लीट करके रखना है ऑटोमेटिकली आप एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हो जाएंगे मतलब कि ज्यादा टोकेंस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे आज की वीडियो में सबसे पहले हम कवर करेंगे बाइनेंस स्मार्ट चेन का जो लेयर टू सोल्यूशन यहाँ पर आ रहा है उसको हम टेस्ट कर लेंगे इन्होंने बता के रखा है कि कोई एयर ड्रॉप नहीं है मैंने आपको कहा था कि ये चीजें शुरू में होती हैं। एयर ड्रॉप हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जब हम इनके टेस्ट नेट को यूज करेंगे तो यहाँ पर मल्टीपल टास्क हम कंप्लीट करेंगे यहाँ पर ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट हम यूज करेंगे जो कि फ्यूचर में अपना एयर ड्रॉप कर सकते हैं तो इनका जो लेयर टू सोल्यूशन है इसको यूज करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर ब्रिजिंग करनी है लेकिन ब्रिजिंग करने से भी पहले नेटवर्क आपको ऐड करना पड़ेगा तो इस वेबसाइट के ऊपर आप आ जाएं यहाँ पर आप लिखेंगे बाइनेंस तो यहाँ पर एक मेन नेट है यहाँ पर एक टेस्ट नेट है ऊपर ये जो इंक्लूड टेस्ट नेट लिखा हुआ है इसको आपको चेक मार्क करके रखना है ये जो टेस्ट नेट है इसको अपने वॉलेट में एड कर लेना है Add to Metamask के ऊपर क्लिक करें सभी डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी आपको यहाँ पर अप्रूव कर लेना है तो ये नेटवर्क आपके सामने आ जाएगा मतलब कि आपका जो वॉलेट है उसमें ये नेटवर्क ऐड हो जाएगा नेटवर्क ऐड करने के बाद आपको फोसेट चाहिए होगा तो इस वेबसाइट के ऊपर आप आ जाए सिंपल से कुछ टास्क कंप्लीट करें और बी बी का फोसेट ले लें जब ये दो काम पहले कर लेंगे तो उसके बाद आप डायरेक्टली इनके ब्रिज को यूज कर सकते हैं यहाँ पर आ जाए कनेक्ट वॉलेट के ऊपर क्लिक करें मेटामास के ऊपर क्लिक करें वॉलेट यहाँ पर कनेक्ट करें नेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ कनेक्ट के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर दिया नेक्स्ट आपको बाइनेंस स्मार्ट चेन का जो टेस्ट नेट है वहां से ओपी बी एन बी टेस्ट नेट के ऊपर कुछ फंड्स भेजने हैं तो मैं यहाँ पर दो बी एन बी भेजने जा रहा हूँ ये सारे के सारे टेस्ट नेट के टोकन्स है इनकी कोई भी वैल्यू नहीं है डिपोजिट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ वेटिंग फॉर कंफर्मेशन ये ट्रांजेक्शन आपको कन्फर्म कर लेनी है थोड़ा सा इसको टाइम लग सकता है थोड़ा सा पेशेंस रखना है तो चलो भाई ट्रांजेक्शन सबमिट हो गई है तो एक ही मिनट के अंदर आपके जो फंड्स हैं वो यहाँ पर ब्रिज हो जाएंगे उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं एक और ट्रांजेक्शन कर सकते हैं डिपोजिट अगेन के ऊपर आपको क्लिक करना है अब ये जो ओपी बी एन बी टेस्ट नेट है यहाँ से कुछ फंड्स आपको भेजने हैं बाइनेंस स्मार्ट चेन के टेस्ट नेट के ऊपर बीच में जो दो एरोज आपको दिखाई दे रहे हैं ना तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली चीजें स्विच हो जाएंगी यहाँ पर आपको स्विच टू ओपी बी एनबी टेस्ट नेट दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है एक छोटी सी ट्रांजेक्शन जाएगी आपके मेटामास्क में फाइनेंस स्मार्ट चेन का जो टेस्ट नेट था वो तो हमने ऐड किया था लेकिन ओपी बी एन बी टेस्ट नेट ये वाला नेटवर्क हमने ऐड नहीं किया था तो यहाँ पर इसको ऐड कर लेना है बस अप्रूव करेंगे तो ये वाला नेटवर्क भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा उसके बाद स्विच नेटवर्क के ऊपर क्लिक कर दें दो बी एन बी हमने बी एन बी टेस्ट नेट से भेजे थे तो अब मैं क्या कर रहा हूँ ओपी बी एन बी टेस्ट नेट से एक बी एन बी वापस भेज रहा हूँ ताकि ट्रांजेक्शन हो जाए तो विद्रॉ के ऊपर क्लिक कर देता हूँ एक बी एन बी को मैं वापस भेज रहा हूँ एक बी एन बी यहाँ पर पड़ा रहेगा जो कि आगे चल के ट्रांजेक्शन करने में हेल्प करेगी ठीक है दोस्तों तो चीजें समझ आ रही हैं यहाँ पर कंफर्म के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ तो भाई इस तरीके से आपको इनका ब्रिज यूज करना है उसके अलावा ब्रिजिंग के लिए आप ऑर्बिटर को भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर भी आपको कुछ ट्रांजेक्शन करनी है फाइनेंस स्मार्ट चेन का जो टेस्ट नेट है वहां से ओपी बी एस सी नेटवर्क के ऊपर कुछ फंड्स को भेजें जो कि इनका लेयर टू सॉल्यूशन है पहले डिपॉजिट करें जितना आपने डिपॉजिट किया उसका आधा जो है यहां पर विद्रॉ कर लें ताकि दोनों ट्रांजेक्शन यहाँ पर हो जाए तो सेंड के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ छोटी सी ट्रांजेक्शन यहाँ पर मैं कन्फर्म कर लेता हूँ अगर आपको यहाँ पर सेंड का ऑप्शन दिखाई ना दे तो ये जो अमाउंट है इसको चेंज करके देखिएगा जब मैं यहां पर दो BNB भेजने की बात कर रहा था तो यहाँ पर ये यह ऑप्शन नहीं आ रहा था मतलब कि सेंड का ऑप्शन यहाँ पर नहीं आ रहा था फिर मैंने 0.1 किया तो ये यह ऑप्शन यहाँ पर आ गया कन्फर्म एंड सेंड के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ ट्रांजेक्शन को यहाँ से मैं कन्फर्म कर लेता हूँ थोड़ा सा टाइम यहाँ पर भी लगेगा जब तक ये ट्रांजेक्शन होगी मैं दूसरी ट्रांजेक्शन यहाँ पर कर लेता हूँ नेटवर्क चेंज करके इनका जो लेयर टू सोल्यूशन है वहां से कुछ फंड्स मैं भेज देता हूँ तो सेंड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ सबसे पहले तो यहाँ से नेटवर्क चेंज होगा स्विच नेटवर्क के ऊपर क्लिक कर देता हूँ कन्फर्म एंड सेंड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ ये वाली जो ट्रांजेक्शन है इसको भी कन्फर्म कर लेते हैं तो दोनों ब्रिज को हमने यूज कर लिया है डिपोजिट भी कर लिया विथड्रॉ भी कर लिया इनका जो लेयर टू सोल्यूशन है वहां पर हमारे पास कुछ पी भी पड़ा है ताकि हम आगे चल के मल्टीपल ट्रांजेक्शन भी कर सकें ठीक है दोस्तों तो ये पहला काम है जो कि आपको यहाँ पर कर लेना है ब्रिज वाला काम आपको कर लेना है उसके बाद आपको Z के ब्रिज के ऊपर आ जाना है यहाँ पर कुछ एन आपको मिंट करनी है और उनको एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के ऊपर भेजना है तो वॉलेट यहां पर मैं कनेक्ट कर लेता हूँ मेटामास्क के थ्रू यहाँ पर मैं कनेक्ट हो रहा हूं नेक्स्ट कर लेते हैं वॉलेट को कनेक्ट कर लेते हैं अब यहाँ पर आपको बायस स्मार्ट चेन का जो टेस्ट नेट है वहां पर कुछ एन ले लेनी है फोसेट है एन एफ फोसेट के ऊपर आपको क्लिक करना है यहाँ पर आपको काफी सारी ऑप्शन मिल जाएंगी तो सबसे नीचे आप आ जाए ये जो Z के ब्रिज ऑन ओपी बी भी लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है नेटवर्क आप यहाँ पर देख सकते हैं काफी सारे नेटवर्क्स हैं। तो बाइनेंस स्मार्ट चेन का जो नेटवर्क है इसी को आपको चूज करके रखना है रिक्वेस्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है ये वाली जो एन है बी एस के ऊपर मिनट होगी तो नेटवर्क को यहाँ पर मैं स्विच कर लेता हूँ अब ये एन एफ टी यहाँ पर मिट्ट होगी छोटी सी ट्रांजेक्शन आपके वॉलेट में जाएगी तकरीबन आठ से दस सेंट के अराउंड आपकी फीस लगेगी यहाँ पर मैं इसको कंफर्म कर लेता हूँ तो भाई एन एफ टी यहाँ पर मिट्ट हो चुकी है जेड के एन एफ टी ब्रिज के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ पेज को मैंने रिफ्रेश किया ताकि सारे स्टेप्स मैं आपको करके दिखाऊं तो सबसे पहले यहाँ पर आपको नेटवर्क चूज कर लेना है उसके बाद इम्पोर्ट माई एन के ऊपर आपको क्लिक करना है ये जो एन अभी आपने मिंट की थी जेट के ब्रिज ऑन ओपी बी एन बी इसको आपको चूज कर लेना है यहाँ पर कन्फर्म के ऊपर आपको क्लिक कर देना है कन्फर्म इम्पोर्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है अब ये जो एन है आपके मेननेट के ऊपर है यहाँ से आपको इसको भेजना है कहाँ भेजना है तो ये जो ओपी बी एन बी नेटवर्क है यहाँ पर आपको इस एन को भेजना है तो यहाँ से नेटवर्क चूज कर ले नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें पहले इसको अप्रूव करें अप्रूवल वाली जो ट्रांजेक्शन है इसको कन्फर्म करें याद रखिएगा दोस्तों इस एनएफ को हमने मिंट किया है मेननेट के ऊपर फाइनेंस स्मार्ट चेन का जो मेननेट है वहां पर हमने इसको मिंट किया है और अभी जो ट्रांजेक्शन हम कर रहे हैं वो भी मेन्नेट के ऊपर है तो यहाँ पर पहले हमने आठ दस सेंट खर्च किए उसके बाद चार पांच सेंट मजीद खर्च किए अब यहाँ पर एक और ट्रांजेक्शन करने जा रहे हैं तो इसमें भी आठ से दस सेंट आपकी फीस लगेगी तो इतना जो है आपके पास बी के मेन के ऊपर भी होना चाहिए कन्फर्मेशन होने का थोड़ा सा वेट कर लेते हैं कन्फर्मेशन होने के बाद यहाँ पर क्लेम का ऑप्शन आपके पास आएगा तो क्लेम के ऊपर आप क्लिक करें क्योंकि ये क्लेम होगा ओपी बी एन बी टेस्टनेट के ऊपर तो आपको नेटवर्क को चेंज करना पड़ेगा स्विच नेटवर्क करने के बाद ही आपके पास यहाँ पर ट्रांजैक्शन ओपन होगी अब ये जो ट्रांजैक्शन है बेसिकली टेस्टनेट के ऊपर है तो इसको कंफर्म कर लेते हैं तो लो भाई आपकी ट्रांजैक्शन यहाँ पर कंफर्म हो चुकी है अब ये जो काम आपने किया है इसमें आपने लेयर जीरो को भी यूज किया है जेड के ब्रिज को भी यूज किया है फाइनेंस का जो लेयर टू सोल्यूशन है उसको भी टेस्ट नेट के ऊपर यूज किया है तो यहाँ पर आपने मल्टीपल प्लेटफॉर्म को यूज किया है कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती यहाँ पर ट्रांसफर इन अदर एन के ऊपर आपको जाना है और यहाँ पर आपको काफी सारी एन दिखाई दे रही हैं एन एफ फोसेट के अंदर आप जाएंगे तो ये सभी एन आपको क्लेम करनी है इनको ब्रिज करना है जरूरी नहीं है कि अभी के अभी आप ये सारा काम करें मेरा कहने का मकसद यह है कि हफ्ते दो हफ्ते में यहाँ पर आ जाएं कोई नई एन एफ यहाँ पर मिंट कर लें उसको एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के ऊपर भेजें आपकी ट्रांजेक्शन यहाँ पर होती जाएंगी सेट के ब्रिज का पोटेंशियल एयर ड्रॉप फ्यूचर में हो सकता है उसके लिए भी आप एलिजिबल होते चले जाएंगे इसमें से काफी चीजें ऐसी हैं काफी एन ऐसी हैं जिनकी ट्रांजेक्शन जो है लेयर जीरो के ऊपर जाती है तो वहां पर आपकी ट्रांजेक्शन काउंट जो है इंक्रीज होती चली जाएगी नंबर ऑफ चेन्स आपके बढ़ते चले जाएंगे लेयर जीरो के ऊपर जितने ज्यादा चेन्स को आप यूज करके रखेंगे फ्यूचर में आपके उतने ज्यादा चांसेस होंगे कि आपको ज्यादा एयर ड्रॉप के टोकन्स मिल सके ठीक है दोस्तों तो ये जो के ब्रिज है इसके ऊपर पहले भी कुछ वीडियोज में बना चुका हूँ इसको मैनेट के ऊपर कैसे यूज करना है कैसे एन एफ टीज यहाँ पर क्लेम करनी है उनको एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के ऊपर भेजना है इस प्लेटफॉर्म को कम्पलीटली यूज करके मैं आपको दिखा चुका हूँ तो पिछली वीडियोस भी देखें वहां से भी आपको काफी हेल्प मिलेगी और अभी जो मैंने स्टेप्स करके दिखाएं इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए यहाँ पर मल्टीपल ट्रांजेक्शन करें डिफरेंट वीक्स में डिफरेंट ट्रांजेक्शन करें उसके बाद गैलेक्सी के ऊपर यहाँ पर कुछ पॉइंट है जो की आप आके क्लेम कर सकते हैं तो ये लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसमें जो टास्क कंप्लीट करने हैं वो तो मैंने आपको करके दिखा दिए हैं बाकी ये जो ट्विटर के कुछ पोस्ट होते हैं जिनको रीट्वीट करना होता है या लाइक करना होता है वो आप यहीं से कर लीजिएगा और ये जो पॉइंट्स हैं इनको क्लेम कर लीजिएगा तो भाई बी बी का जो लेयर टू सोल्यूशन आने वाला है उसको लेकर फिलहाल इतना ही नेक्स्ट यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मैं कवर करने वाला हूँ सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वॉलेट की तो इन्होंने यहाँ पर बता के रखा है कि भाई आपकी जो एन एफ टीज यहाँ पर रहती हैं जिनको आपने क्लेम नहीं किया है तो आप इस वेबसाइट के ऊपर आए अपना वॉलेट कनेक्ट करें चेक करें कौन सी एन एफ टीज है जो कि आपने अभी तक क्लेम नहीं की है मतलब कि आप उनके लिए एलिजिबल तो हैं लेकिन आपने क्लेम नहीं की तो इनको भी क्लेम कर लीजिएगा ब्रावोज वॉलेट का पोटेंशियल एयर ड्रॉप फ्यूचर में हो सकता है वॉलेट है जैसे मेटामास वॉलेट है उसी तरीके से ब्रावोज वॉलेट है स्टार्कनेट के ऊपर है तो अभी यहाँ पर फीस जो है कम लग रही है तो आप एक ट्रांजेक्शन करके ये जो एन आपकी रहती हैं इनको क्लेम कर सकते हैं क्लेम एलिजिबल एनएफ के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ वॉलेट आपको पहले से ही यहाँ पर कनेक्ट करके रखना है यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन आपके वॉलेट में ओपन होगी आपको साइन के ऊपर क्लिक कर देना है हो सकता है कि ये ट्रांजेक्शन एक दो बार फेल हो जाए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्टार्क नेट का जो नेटवर्क है बहुत ही ज्यादा कंजेस्टेड है तो अगर ये ट्रांजेक्शन फेल होती है तो थोड़ी देर बाद दोबारा आपको ट्राई करना है यहाँ पर आपकी जो रिमेनिंग एन एफ वो आपको क्लेम कर लेनी है ठीक है दोस्तों तो ट्रांजेक्शन यहाँ पर सबमिट हो चुकी है एक्टिविटी के अंदर मैं चला जाता हूँ आप यहाँ पर देखें ये ट्रांजेक्शन यहाँ पर सबमिट हो चुकी है अब ये सक्सेसफुल होती है कि नहीं वो देखा जाएगा अगर ये फेल हो जाती है तो मैं दोबारा एक ट्रांजेक्शन यहाँ पर सबमिट करूंगा आपको भी यहाँ पर इसी तरीके से प्ले करना है नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अर्जेंट वॉलेट की तो यहाँ पर इनका जो वीक एट एन है इसको आपको क्लेम करना है बहुत ही सिंपल है आपको एक वेबसाइट के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी यहाँ पर आपको आना है अपना वॉलेट यहाँ पर कनेक्ट करना है अर्जेंट वॉलेट की बात कर रहा हूँ पहले मैं वॉलेट को यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ उसी के बाद इसको कनेक्ट कर पाऊंगा तो भाई वॉलेट मैंने ओपन कर लिया है यहाँ पर कनेक्ट वॉलेट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ कनेक्ट एंड रेट के ऊपर आपको क्लिक करना है कनेक्ट के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देते हैं अब यहाँ पर ये जो डैप्स हैं जो कि आपने यूज करके रखे हैं उसके हिसाब से आपको इनको रेटिंग देनी है जैसे कि ये के स्वाप है इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ आप कोई भी डेप चूज कर सकते हैं मैंने टेन के सो आपको चूज किया है अब आप इसको कितनी रेटिंग देना चाहते हैं मैं जो है यहाँ पर फोर रेटिंग देना चाहता हूँ ये जो स्टार्स है ना किसी भी एक स्टार के ऊपर आप क्लिक करें चार रेटिंग देना चाहते हैं तो चार स्टार आउट ऑफ देना चाहते हैं तो ये जो पांचवा स्टार है इसके ऊपर क्लिक करें ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिक आपके वॉलेट में आ जाएगी मैंने ये जो फोर्थ स्टार है इसके ऊपर क्लिक किया है मतलब कि फोर आउट ऑफ फाइव मैं इनको रैंकिंग दे रहा हूँ यहाँ पर साइन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ बस इतना सा ही काम है आप इस एन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे जैसे ही इसका आएगा तो अर्जेंट वॉलेट का जो ट्विटर है वहीं पे आपको लिंक मिल जाएगी मेरी जो आने वाली वीडियोस होंगी उसमें भी मैं शेयर करूंगा लेकिन याद रखिएगा आजकल ट्विटर अकाउंट भी बहुत ज्यादा हैक हो रहे हैं वहां पर भी काफी सारी फिशिंग लिंक्स आ रही हैं तो किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक मत करिएगा जब तक के चीजों को वेरीफाई ना करें दो से तीन सोर्सेस से जब आप उसको वेरीफाई करें उसकी के बाद आपको किसी लिंक के ऊपर क्लिक करना है फाइनली हम बात कर लेते हैं कोर डाव की जो कि यहाँ पर लेयर जीरो के साथ इंटीग्रेट कर चुका है तो यहां पर आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो बेसिकली लेयर जीरो के ऊपर काउंट होंगी तो यहाँ पर भी आपको कुछ ब्रिजिंग करनी है डिफरेंट नेटवर्क हैं जिसके जरिए आप जो है कोर डाव के ऊपर अपने फंड्स को भेज सकते हैं फाइनेंस स्मार्ट चेन जो है बेस्ट ऑप्शन रहेगा क्योंकि यहां पर फीस थोड़ी कम लगेगी तो बाइनेंस स्मार्ट चेन से कोर डाव के ऊपर कुछ फंड्स आपको भेजने हैं तो इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा ये जो टोकन है आपको बाय करना पड़ेगा क्योंकि जब आप एक नेटवर्क से कोर नेटवर्क के ऊपर अपने फंड्स को भेजेंगे तो दोबारा से विथड्रॉ करने के लिए मतलब कि कोर नेटवर्क से दोबारा अपने फंड्स को स्मार्ट चेन के ऊपर लेके आने के लिए आपको फीस जो है कोर टोकन में देनी होगी तो छोटे मोटे अमाउंट से ये टोकन आपके पास होना चाहिए आप जो है इस टोकन को बाय बेट से बाय कर सकते हैं बाय बेट से आप इस टोकन को बाय करके छोटे मोटे अमाउंट से इसको बाय करें और उसको विदड्रॉ कर लें उस वॉलेट में जिसके जरिए आप लेयर जीरो के टास्क कंप्लीट कर रहे हैं आप विड्रॉ कर लें नेटवर्क यहीं पर ऐड हो जाएगा वो मैं आपको करके दिखा देता हूं कि कैसे इस नेटवर्क को ऐड करना है पहले फंड्स को फंड्रॉ कर लें कोई इशू नहीं है वॉलेट में फंड्स आ जाएंगे जब आप इन टोकन को विद्रॉ कर लेंगे अपने वॉलेट में तो नेटवर्क ऐड करने का बहुत ही आसान तरीका है चैन लिस्ट के ऊपर जाके आप इस नेटवर्क को ऐड कर सकते हैं या फिर इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएं जो कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर एयर ड्रॉप के ऊपर क्लिक करें कंट्री अपना चूज कर लें यहाँ पर मैं इसको कंफर्म कर लेता हूँ मेटामास के ऊपर क्लिक कर देता हूँ मेटामास को चूज करके यहाँ पर कनेक्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ क्योंकि ये नेटवर्क मेरे वॉलेट में नहीं है तो ऑटोमेटिकली सारी की सारी डिटेल्स ये मुझको दे देगा ये कहेगा कि इस नेटवर्क को पहले ऐड करो उसके बाद आपका वॉलेट यहाँ पर कनेक्ट हो पाएगा तो ये सभी डिटेल्स यहाँ पर आ गई हैं, मैं इसको अप्रूव कर लेता हूँ नेटवर्क मेरे पास ऐड हो जाएगा यहाँ पर नेटवर्क को स्विच कर लें, ठीक है दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर ब्रिजिंग करनी है तो बाइनेंस स्मार्ट चैन से कोर डाव के ऊपर कुछ फंड्स आपको भेजने हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं टू यूएसटीसी मेरे पास अवेलेबल हैं। अगर आपके पास पाइनेंट स्मार्ट चेन के ऊपर यूएस अवेलेबल ना हो मेननेट की बात कर रहा हूँ मैं तो आप अपना थोड़ा सा बी जो है मेटामास के अंदर ही स्वाप कर सकते हैं मेटामास्क की भी आपकी ट्रांजेक्शन हो जाएगी फ्यूचर में मेटामास के एयर ड्रॉप के लिए भी एलिजिबल करवा सकता है ठीक है तो यहाँ पर मैक्सिमम के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ टू पॉइंट फोर थ्री यहाँ पर मैं भेजने वाला हूँ कोर डाव के ऊपर ये फंड्स जाएंगे तो सबसे पहले अप्रूवल के ऊपर क्लिक कर देते हैं अच्छा ये नेटवर्क आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं आप यहाँ पर देखें ऐड टू मेटामास्क लिखा हुआ है तो इस नेटवर्क को यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं बहरहाल पहले हमें नेटवर्क स्विच करना पड़ेगा क्योंकि बायस स्मार्ट चेन से मुझको फंड्स को भेजना है तो बायस का नेटवर्क जो है पहले मेटामास्क में होना चाहिए मतलब कि नेटवर्क ओपन होना चाहिए उसके बाद आप यहाँ पर अमाउंट पुट कर लें कि कितने की आप यहाँ पर अप्रूवल देना चाहते हैं टू पॉइंट फोर थ्री यहाँ पर मैंने अप्रूवल दे दी है नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ अप्रूव के ऊपर क्लिक कर देता हूँ ये ट्रांजेक्शन यहाँ पर कंफर्म हो जाएगी अप्रूवल होने के बाद यहाँ पर आपको ट्रांसफर के ऊपर क्लिक करना है एक और छोटी सी ट्रांजेक्शन आपके वॉलेट में आएगी सत्रह सेंट जो है यहाँ पर फीस लग रही है तो फीस के ऊपर भी आपको नजर रखनी है कन्फर्म के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया ये ट्रांजेक्शन यहाँ पर हो जाएगी तो बाइनेंस स्मार्ट चेन से कोर नेटवर्क के ऊपर आपके फंड चले जाएंगे उसके बाद आपको क्या करना है हफ्ता दो हफ्ता सबर कर लें मतलब कि आपको इसके बाद करना क्या है तो ये जो कोर डाओ है यहाँ से आपको अपने फंड्स को विद्रॉ करना है स्मार्ट चेन के ऊपर या पॉलीगोन के ऊपर आर्बिट्रम के ऊपर क्योंकि जब आप अलग अलग नेटवर्क के ऊपर अपने फंड्स को विद्रॉ करोगे अलग अलग नेटवर्क से तो आप डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को यूज करोगे जितने ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स आपने यूज करके रखे होंगे आपको उतने ज्यादा टोकन्स मिलने के चांसेस होंगे आर्बिट्रम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये पॉइंट था दो डॉलर यहाँ पर भेजे हैं तो आप क्या कर सकते हैं कुछ दिनों बाद या कुछ हफ्तों बाद एक डॉलर जो है दोबारा से बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर भेज दें पॉलीगोन के ऊपर भेज दें यहाँ पर दूसरे जो ऑप्शन हैं इंटीग्रेट होते चले जाएंगे कोर नेटवर्क के ऊपर आपके फंड्स आने के बाद यहाँ पर कुछ और काम है जो कि आप कर सकते हैं जैसे कि इनका जो डेक्स है यहाँ पर आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं मतलब कि कुछ सोप भी कर सकते हैं मैंने तो यहाँ पर दो डॉलर आपको सिर्फ और सिर्फ करके दिखाने के लिए भेजे जरूरी नहीं है कि आप दो डॉलर ही भेजें आप सौ डॉलर भी भेज सकते हैं ढाई सौ डॉलर भी भेज सकते हैं तो वट जो भी अमाउंट आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है तो यहाँ पर आप कुछ सोप भी कर सकते हैं इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी ब्रिजिंग के अलावा ये दूसरा काम है जो कि आप यहाँ पर कर सकते हैं एक और काम है जो कि आप यहाँ पर कर सकते हैं ये फाइनल टास्क है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ वीडियो काफी बड़ी हो गई है ट्विटर के ऊपर एक थ्रेड में बनाऊंगा उसमें ये सभी लिंक्स आपको स्टेप बाय स्टेप में दे दूंगा ताकि आपको किसी हिसाब से कोई कंफ्यूजन ना हो तो फाइनल काम जो कि आप यहाँ पर कर सकते हैं जेड के ब्रिज को यूज करें कैसे करना है एनएफ टी में चले जाए आप यहाँ पर देखें मैन अल्फा ये जो है कोर डाव के ऊपर है क्योंकि नेटवर्क तो आपने एड कर लिया अपने वॉलेट में आपके पास वहां पर कुछ कोर टोकेंस भी है तो आप इस एन को क्लेम करें ये वाली एन आप क्लेम करें इसके नीचे वाली जो एन है जेट के ब्रिज ऑन ओपी बी एन बी इस वाली एन को भी आप कोर के ऊपर क्लेम कर सकते हैं जैसे कि आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस एन को भी क्लेम करें और आप यहाँ पर ब्रिजिंग करें एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के ऊपर कोर से पोलीगोन के ऊपर उस एन को भेजें पोलीगोन से बी के ऊपर भेजें बी से कोर के ऊपर भेजें पोलीगोन से कोर के ऊपर भेजें इस तरीके से आपको ट्रांजेक्शन करनी है सारी एक दिन में आपको नहीं करनी हफ्ते में एक दो ट्रांजेक्शन आप करते रहें अलग अलग दिनों पे ट्रांजेक्शन करें बस यही स्ट्रेटेजी है जो कि आपको यहाँ पर समझनी है सारा खाना हम एक साथ नहीं खा सकते हमें क्या करना होता है सुबह खाना है फिर दोपहर को खाना है फिर रात को खाना है हम तीनों टाइम का एक साथ नहीं खा सकते बिल्कुल वैसे ही नेचर को समझे ना आप क्या कर सकते हैं पूरे हफ्ते का एक साथ तो नहीं सो सकते ना आपको हर रोज सोना होता है एयर ड्रॉप भी कुछ इसी तरीके से हो गया है ऐसा नहीं है कि सारे काम एक ही साथ हो जाएं। यहाँ पर वीकली बेसिस के ऊपर आपको कुछ ट्रांजेक्शन करनी है चाहे एक ट्रांजेक्शन करें वीकली बाय वीकली बेसिस के ऊपर एक दो तो ट्रांजेक्शन करते रहें ये वाली एन जिसको कि आप क्लेम कर सकते हैं अब ये प्रोसेस मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि काफी बार ये चीजें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको करके दिखाया था सिर्फ नेटवर्क अलग था बाकी सारा का सारा जो प्रोसेस है वो सेम है जब आप ये सारे टास्क कंप्लीट कर लोगे तो यहाँ पर ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आके आप क्लेम कर सकते हैं तो भाई वीडियो तो बड़ी हुई है लेकिन यहाँ पर मैंने मल्टीपल एयर ड्रॉप को कवर किया स्टार्क नेट को कवर किया अर्जेंट वॉलेट को कवर किया ब्रावोज वॉलेट को कवर किया सेट के ब्रिज को यूज किया फाइनेंस का लेयर टू हमने टेस्ट आउट किया कोर डाउन नेटवर्क को यूज किया लेयर जीरो के ऊपर हमारी कुछ ट्रांजेक्शन हुई वीडियो बड़ी हुई लेकिन पांच से छिफरेंट एयर ड्रॉप्स जो कि फ्यूचर में हो सकते हैं वो सभी हमने यहाँ पर कवर किए हैं ठीक है दोस्तों तो अब आप मुझे बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें मैं आपके लिए जबरदस्त कंटेंट लेके आता रहूंगा आज के लिए इतना ही आपसे मैं फिर मिलूंगा एक और वीडियो में एक और जबरदस्त टॉपिक के साथ